चलिए फिर ये कार्बेटर है, इसको हम खोलेंगे, इसके अंदर चेक करेंगे पेट्रोल एवरेज वगैरह जो जो चीज़ें होती है इसकी सफाई करेंगे। ये देखिए जी, इसके अंदर कचरा काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ ये बाइक थोड़ा बहुत मिसिंग भी करता था। ये देखिए इसके बाद इसको आपने, ये पिन है, इसको आपने ऐसे करेंगे तो ये थोड़ी बाहर आ जाएगी। उसके बाद इसको आपने ऐसे पकड़ के नोजल प्लासी से ऐसे बाहर निकाल लेना। ये देखिए ये पिन है, ये बाहर आ चुकी है, इसको हम नीचे रखेंगे। ये फ्लोट है, इनको हम साइड पे रख देंगे ताकि ये टेढ़े ना हो। ये आप देख सकते हैं इधर रख दिया। ये इसका निडल वाल है, अगर पेट्रोल ओवर करता हो बाइक तो आपने ये निडल वाल को चेंज करना है, तो आपको बाइक पेट्रोल ओवर करना हट जाएगा, नहीं तो फिर उसका मसला हो सकता है, उसको आप लेवल बराबर कर दें, वो भी हम आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। इसके बाद है ये इसका मेन जेट है और ये स्लो जेट है, इन दोनों को हम खोल के अंदर से भी इसको साफ करेंगे। बस यही मेन चीज़ें होती है कार्बोरेटर में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये हो गया जी, इसको अब हम वॉश करेंगे। इसको ज़बरदस्त वॉश करना है। इसको वॉश करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे कपड़े के साथ, ताकि जो रस्ट वगैरह हो इसके अंदर वो ख़त्म हो जाए। इसको ऐसे आपने अच्छे तरीके से साफ करना है। इसके बाद इसको रखते हैं साइड पे। इसके बाद इस चैम्बर को साफ करते हैं, ये वो कार्बोरेटर का चैम्बर बोलते हैं, इसको थोड़ा साफ करके। ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो आज की है, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि यार क्लीनिंग की वीडियो आप नहीं बना रहे हो। आज क्लीनिंग की हमने पहली वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह इसके बाद न्यू मॉडल की भी वीडियो बनाएंगे। ये देखिए ये ज़बरदस्त साफ हो गया है। इसके बाद ये भी, इसके नट वगैरह, इसको सब इस जेट के अंदर आर पार दिखना चाहिए, आप देख सकते हैं इसके अंदर आर पार दिख रहा है। ये दो जेट हैं, इन दोनों में अगर थोड़ा बहुत अभी कचरा होगा तो बाइक बहुत ज़्यादा मिसिंग करेगा। ये देखिए ये दोनों आर पार, इसके अंदर भी छोटे के अंदर भी दिख रहा है। इसके बाद ये निडल वाल है, इसको आपने बिल्कुल वॉश करके यहाँ पे साइड पे रखते हैं। इसके बाद ये आ जाते फ्लोर, इसको थोड़ा थोड़ा पेट्रोल मार लेते हैं ताकि जो कचरा इसके अंदर होगा वो भी थोड़ा साफ हो जाए। अभी हम कार्बोरेटर को वापस लौटने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने ये छोटे वाला जेट लगाना है, इसका ये स्लो जेट है। ये काम इस तरह से करता है कि जब बाइक स्लो पे खड़ा होता है, यानी चल नहीं रहा होता,
उस वक्त इसमें पेट्रोल जाता है, और जब बाइक चल रहा होता है तो फिर ये बड़े वाले में पेट्रोल जाता है। इसको हम टाइट कर देंगे दोनों को। इसको टाइट करने के बाद हमने ये लेना निडल वाल, इसको ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगा के इसको ऐसे पकड़ के इसके अंदर कार्बोरेटर के ऐसे रख के, इसके बाद इसकी ये जो पिन है इसको यहाँ से इसके अंदर लगा देंगे ऐसे। थोड़ा इसको ऊपर उठा लेंगे ताकि ये देखिए, ये इसका आपने ऐसे लेवल चेक करना है, ये लेवल बिल्कुल सही है। अगर ये लेवल ख़राब होगा तो बाइक आपका बहुत ज़्यादा पेट्रोल ओवर करने लग जाएगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा। इसके बाद ये इसका एक रबड़ आता है, इसको आपने इसकी शेप बनी हुई है आपने इसमें रखना है ऐसे। ये थोड़ा बड़ा है, ये देखे जी ये रबड़ जो है ये बहुत बड़ी रबड़ थी, इस पता नहीं किस बाइक की ये लगा दी इन्होंने, 125 की मेरे ख्याल है। ये हमने न्यू रबड़ इसके अंदर लगा रहे हैं, इसके बाद हम इसको ऐसे इसके ऊपर फिट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कैसे मैं फिट कर रहा हूँ, आपने इस तरह ही फिट करना है। इसके बाद इसके ये जो नट है दो, ये आपने ऐसे लगा के इसको कर देंगे टाइट। टाइट करने के बाद हमने इसका फिल्टर लोटर लगाना है, इसके जितने भी नट बोल्ट हैं हमने सबको सब टाइट करने हैं। थोड़ी वीडियो यार लंबी होगी इसके लिए, हम सॉरी कहते हैं आपको। उनको आपने फुल टाइट करना है ताकि कार्बोरेटर जो लीक ना करे। इसको टाइट करने के बाद इसका ये जो जैन है ये बिल्कुल सही है, हम इसको नहीं चेंज करेंगे, यही लगा देंगे। इसके बाद हम ये फिल्टर लगाएंगे इसके अंदर, और फिल्टर लोटर को फिक्स करेंगे। इसको थोड़ा साइड, ये देखिए ये फिल्टर ऐसे लगा के आपने, इसके बाद ये इसको पहले वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद आपने ये लगा के इसके बाद ये ऐसे इसका लॉक जो है वो आपने फिट कर देना। इसको आपने नॉर्मल टाइट रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करें। इसके बाद इस फिल्टर को हम ऐसे डालेंगे इसके अंदर, इसको ऐसे राम सुकून से डाल के ये ऐसे देखिए जी, ये ऐसे करेंगे ना, ये थोड़ा सा सख्त तो जाएगा लेकिन जोर लगाएंगे तो ये आराम से इसके अंदर ऐसे। इसको आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना ताकि ये है ना इजीली चढ़ जाए, क्योंकि ये ऐसे तो ये ना बहुत ज़्यादा मुश्किल से चढ़ता है। इसके बाद ऐसे करके इसको ऐसे करेंगे तो ये जो है ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ये देखें ये हमारा फिल्टर लोटर लग चुका है। इसके बाद ये हम इसको भी साफ करके लगाएंगे इसके अंदर।
उसके बाद ये कार्बोरेटर है, इसको हम लगाते हैं। सबसे पहले इसको हमने इस फिल्टर में फंसाना है, फिल्टर लोटे में इसे फंसा के फंस गया। ये हमारा जो फिल्टर लोटा है ये थोड़ा सा फटा हुआ है, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसके बाद ये दो नट आपने टाइट करने हैं, आपका कार्बोरेटर का काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जितने भी इसके नट है गाड़ी के वो आपने टाइट कर लेने हैं सबको एक एक बार। प्लग खोल के आपने साफ करना है। ये हम अपना काम दिखा रहे हैं कि हम इस तरह अपना काम करते हैं। ये सिलाई होती है, इसकी भी एक वीडियो बनाई थी, इसमें कैसे पेट्रोल एवरेज सेट करते हैं। इसका काटा आपने इधर रखना है चौक वाली साइड पे, जो न्यू मॉडल है उसका चौक के मुखालफ होता है। ये देखिए ये आराम से फिट हो गया। अब इसके बाद हम इसको कर देंगे टाइट। इसके बाद इसके हम टैपट करेंगे, उसके लिए हमें टैपट कवर खोलने होंगे। इधर दोनों को खोल, ये टैप्ड कवर इसके दोनों खुल गए हैं। इसके बाद इधर आपने टीफर इसका टॉप जो है इस कट के बराबर रखना है, और ये जो टैप्ड हैं ये अभी बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, इसको आपने ऐसे घुमाना है एक बार और चक्कर देंगे तो ये देखिए ये अब इसके टैप्ड थोड़े थोड़े लूज हैं। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। इसी तरह अपने नीचे वाले को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है। इसमें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की इसे दोनों में प्ले होनी चाहिए तो ये ज़बरदस्त गाड़ी का साउंड होगा। इसके बाद हम इसके जो टैप कवर हैं उनको लगा देते हैं। इसके बाद ये जो टैप्ड कवर है ये हमने फुल टाइट नहीं करना है, इसको थोड़ा सा हाथ के साथ ही बस टाइट करेंगे। इसके बाद हमने इसके ये जो नट है मैग्नेट का नट इसको चेक करेंगे, टाइट करेंगे। इधर गाड़ी के जितने भी नट हैं उनको टाइट करेंगे, उस साइड में जितने हैं उनको भी टाइट करेंगे, चेक करेंगे सबको सब सही है। ये देखिए ये ढीले हुए हैं थोड़े थोड़े, ये देखिए इन सबको आपने एक साथ टाइट करके ये जितने भी नट है आपने बिल्कुल टाइट करने। हम आपको थोड़े बहुत तो टाइट करके दिखा रहे हैं लेकिन आपने जो है सब के सब नट जो है वो टाइट करने हैं। ये देखिए इसके बाद हम चैन को चेक करेंगे कि चैन तो लूज नहीं है। ये देखिए अभी इसकी चैन थोड़ी सी लूज है तो हम इसको भी टाइट करेंगे। इसके लिए हमें एक गेट खोलना होगा। ये थोड़ा घूम रहा है इसलिए हमने इधर इसका ये जो 14 का पाना होता है ये लगा के इसको करेंगे लूज। ऑयल इसका भी चेंज करेंगे लेकिन हमने ऑयल पहले चेंज कर लिया था इसलिए अब इस वीडियो में हम नहीं चेंज करेंगे। उसके बाद ये गरारी वाला नट आपने खोलना है, इसको खोल के थोड़ा सा तो ये जो नट है इसको आप हल्के हल्के से टाइट करेंगे तो आपका चैन जो है वो टाइट हो जाएगा। दोनों साइड से आपने बराबर टाइट करना है।
एक चूड़ी उस साइड से, ये देखिए ये चैन जो है टाइट हो चुका है। अभी हम जो है ये नट टाइट करते हैं। उसके बाद इसकी ये जो टी है इसमें बहुत ज़्यादा कचरा होता है, इसको भी हम खोलेंगे। ये 10 नंबर की चाबी से ही खोल लेते हैं। चलो ये देखिए जी इसके अंदर कितना ज़्यादा कचरा है, इसको भी हमने इस तरह वॉश करना है। कुछ मकैनिक इसको साफ़ नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा होता है, अगर इसको साफ़ नहीं करेंगे तो फिर कार्बोरेटर साफ़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसमें फिर से कचरा चला जाएगा। ये देखिए ये साफ हो चुका है। इसके बाद इसको भी थोड़ा सा साफ करते हैं। ये रखेंगे ऐसे, इसके बाद ये टाइट करके इसको टाइट कर देंगे ताकि ये अगर लूज रखेंगे तो यहाँ से भी पेट्रोल जो लीक करना शुरू कर जाए। इसके बाद इसको यहाँ से फिट कर देंगे। ये मुकम्मल ट्यूनिंग की वीडियो हमने बनाई है ताकि आप दोस्तों को पता चल जाएगा खुद घर में भी इसको किस तरह कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने मुकम्मल डिटेल के साथ ये वीडियो बनाई है आप दोस्तों के लिए। अब आप दोस्तों का हक बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक तो करें क्योंकि हमने आपके लिए वीडियो बनाई है। इसके बाद ये पेट्रोल हम इसमें रख डालेंगे। इसका आप प्लग खोल के भी साफ करेंगे, यहाँ पे इसको प्लग को ऐसे खोल लेंगे और जितनी भी इसकी केबल्स वगैरह हैं उसको आपने हाइल देना है। ये ट्यूनर का एक हिस्सा है। छाती ये प्लग हमने खोल लिया, इधर इसको भी थोड़ा सा पेट्रोल के साथ ऐसे साफ करके अक्सर लोग कहते हैं कि ट्यूनिंग के बाद यार हमारा प्लग जो है वो शॉर्ट हो जाता है, वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि अगर आपका प्लग जो है उसमें ज़्यादा ऑयल होता है तो आप साफ करते हो तो उधर से पेट्रोल भी लग जाता है। पेट्रोल को आपने कपड़े के साथ साफ करके अच्छी तरीके से लगाएंगे तो कभी भी जो है आपका प्लग शॉर्ट नहीं होगा। इसका हम टाइट करके गाड़ी को स्टार्ट करके तो इसका साउंड चेक करेंगे कि गाड़ी का साउंड कैसा है, इसकी एवरेज माइलेज में काफ़ी फर्क पड़ा उस साइड पे चले। गाड़ी जो है स्लो पे खड़ी,
बंद करके इसका मैग्नेट अपर लगा देते हैं। ये मैग्नेट अपर ऐसे रख के हमें इसको यहाँ से टाइट कर देना है तीनों नट को। गियर लीवर इसके बाद लगा के जितने भी नट हैं हमने उनको टाइट करके तो इसको चला के भी चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।